आदित्य से रिलेशनशिप स्टेटस पूछा। एक्टर बोले, ये सीक्रेट ही रहने दे। हाल ही में करीना कपूर ने आदित्य रॉय कपूर से उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में सवाल किया और इस पर आदित्य ने कहा कि इसे सीक्रेट ही रहने दे। एक्टर ने आगे ये भी बताया कि उन्होंने कई लोगों को डेट किया जिनके साथ उनके 3 से 5 साल तक रिलेशन रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अनन्या पांडे को भी आदित्य डेट कर चुके हैं। कुछ समय पहले खबर आई थी कि दोनों का ब्रेकअप हो गया। वहीं आदित्य ने श्रद्धा कपूर के साथ फिल्म आशिकी 2 में काम किया था और इसके बाद से ही दोनों की डेटिंग की खबरें सामने आई थी। एक शो के दौरान करीना कपूर ने कहा कि लोग जानना चाहते हैं कि क्या आदित्य सिंगल है या किसी रिलेशनशिप में, तो इस पर आदित्य ने कहा कि मेरा स्टेटस क्या चिल होना स्टेटस है, मैं चिलर हूँ। इस पर करीना ने चुटकी लेते हुए कहा कि वो छुपा रुस्तम है, तो एक्टर ने हंसते हुए कहा, अच्छा है, रिलेशनशिप स्टेटस को सीक्रेट ही रहने दीजिए। करीना ने आदित्य से पूछा कि क्या उन्हें कमिटमेंट फोबिया है। जवाब में आदित्य ने कहा कि उनके कई रिश्ते रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे कमिटमेंट से डर नहीं लगता। जब मैं छोटा था और 20 साल की उम्र तक मेरे कई लंबे रिश्ते रहे हैं, ये रिश्ते 3 से 5 साल तक भी चले। वहीं आदित्य रॉय कपूर और अनन्या पांडे ने लगभग 2 सालों तक एक दूसरे को डेट किया। दोनों को कई बार साथ में टाइम स्पेंड करते हुए स्पॉट किया गया। इवन इन दोनों को वेकेशन पर भी स्पॉट किया गया। हालांकि ये रिश्ता भी लंबा नहीं चला और मार्च में उनका ब्रेकअप हो गया था। सोनम ने मेहंदी में लिखवाया अपने पति और बेटे का नाम। करवा चौथ का त्यौहार हर सुहागन के लिए खास होता है और इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। दिन भर बिना पानी पिए व्रत रखती हैं और शाम को चांद निकलने के बाद व्रत खोलती हैं। आम महिलाओं की तरह ही बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में भी इस त्यौहार को मनाने का क्रेज साफ देखा जाता है। हर साल बॉलीवुड एक्ट्रेस सजते संवरते हुए अपनी करवा चौथ की तस्वीरें शेयर करती हैं और इस साल भी कुछ एक्ट्रेसेस ने अपने हस्बैंड के लिए करवा चौथ का व्रत रखा और उसके पहले करवा चौथ की मेहंदी वाली काफी सारी तस्वीरें शेयर की गईं। इस कड़ी में शिल्पा शेट्टी से लेकर सोनम कपूर तक ने अपने हस्बैंड के नाम की मेहंदी लगाई। फैशन क्वीन मानी जाने वाली सोनम कपूर ने हाथों में अपने हस्बैंड और बेटे के नाम की मेहंदी रचाई। बाएं हाथ में वायु तो दाएं हाथ में आनंद का नाम लिखवाकर उन्होंने इस करवा चौथ के सेलिब्रेशन को पूरा किया। खैर, एक्ट्रेस ने अपनी स्टोरी में ये भी शेयर किया कि उन्होंने फास्ट नहीं रखा है, लेकिन मेहंदी लगाना, तैयार होना और करवा चौथ का खाना उन्हें काफी पसंद है। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की बात की जाए तो शिल्पा शेट्टी भी सारे फेस्टिवल्स धूमधाम से मनाती हैं, चाहे होली हो, गणेश चतुर्थी या कोई सा भी त्यौहार। उनका करवा चौथ का सेलिब्रेशन भी इस बार भी चर्चा में रहा। शिल्पा ने सरगी और अपने मेहंदी की झलक दिखाई इंस्टाग्राम स्टोरी पर। एक्ट्रेस ने सरगी का वीडियो शेयर किया। उनकी सरगी में मेहंदी, सिंदूर, हरी लाल चूड़ियां और इसके साथ ही कुछ मीठा और बाकी खाने की चीजें भी नजर आईं। वहीं परिणीति चोपड़ा ने भी अपने हाथों पर लगी दिल की डिजाइन की तस्वीर शेयर की है। साथ ही उन्होंने अपने घर के सेलिब्रेशन की भी तस्वीरें शेयर की। करवा चौथ पर एक्ट्रेस का घर लाइट से जगमगाया हुआ था। वहीं परिणीति ने अपने करवा चौथ का सेलिब्रेशन ससुराल में किया, यानी कि परिणीति चोपड़ा ने नई दिल्ली में मौजूद रहकर अपने करवा चौथ के सेलिब्रेशन को कम्प्लीट किया। बादशाह ने बेटी का पहला वीडियो शेयर किया। रैप करती हुई नजर आई जैस्मी। सिंगर रैपर बादशाह ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी जैस्मी ग्रेस मसी सिंह का वीडियो शेयर किया है। ये पहला मौका है जब बादशाह ने अपने फैंस के साथ अपनी बेटी का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में रैपर की बेटी जैस्मी भी रैप करती हुई नजर आई। वीडियो में बादशाह अपनी बेटी जैस्मी को स्वैग सिखाते हुए नजर आए और इस दौरान जैस्मी को काले स्वेट शर्ट में देखा गया। बादशाह ने 2017 में जैस्मीन मसी से शादी की थी और शादी के कुछ समय बाद दोनों बेटी जैस्मी ग्रेस मसी सिंह के पेरेंट्स बने। हालांकि उनका ये रिश्ता लंबा नहीं चला और 2020 में ही दोनों अलग हो गए। 2018 में एक इंटरव्यू के दौरान बादशाह ने कहा था कि बेटी के पैदा होने से पहले उन्हें बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्होंने कहा कि मुझे पहले कभी भी बच्चे पसंद नहीं थे, मैं उनसे एक तरह की नफरत करता था, मैं बस उन्हें पसंद नहीं करता था, लेकिन बेटी के जन्म के बाद से सब कुछ बदल गया और अब मैं बच्चों से प्यार करने लगा हूँ। अब जब कोई बच्चा रोता है तो मेरी कोशिश रहती है कि वो किसी तरह से चुप हो जाए। बादशाह ने बातों बातों में बेटी को अपनी पूरी दुनिया बताया था। उन्होंने कहा कि मैं पिता बनने के एहसास को बता नहीं सकता हूँ, मुझे लगता है कि इस फीलिंग्स को समझने के लिए आपको पिता बनना होगा। वो मेरी पूरी दुनिया है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वहीं हाल फिलहाल में बादशाह का नाम पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ भी जोड़ा जाता रहा है। कई बार इन दोनों को साथ में स्पॉट किया गया। रिसेंटली दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में भी बादशाह और हानिया आमिर एक साथ पहुँचे थे कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए, इसीलिए इन रूमर्स को काफी ज्यादा हवा मिल रही है। सलमान खान की बहन अर्पिता ने बेचा बांद्रा वाला घर, 22 करोड़ में हुई डील। सलमान खान की बहन अर्पिता और उनके हस्बैंड आयुष शर्मा ने मुंबई के बांद्रा वाला अपना घर बेच दिया है। उन्होंने ये घर 22 करोड़ रुपए में बेचा है। वहीं अब कपल वर्ली में मौजूद दूसरे लग्जरी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया है।
आपको बता दें, सलमान ने अर्पिता की शादी के अनाउंसमेंट से पहले बांद्रा स्थित ये घर उनको गिफ्ट में दिया था। ये सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्पिता के पास एक और लग्जरी अपार्टमेंट है जो मुंबई के खार में है। ये अपार्टमेंट डेवलपर्स की फ्लाइंग कार्पेट की इमारत की 12वीं फ्लोर पर है। ये अपार्टमेंट 1750 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और इसमें 4 पार्किंग एरिया भी है। वही आपको बता दें, अर्पिता ने 2014 में एक्टर आयुष शर्मा से शादी की थी। शादी के बाद दोनों बेटे आहिल और बेटी आयत के पेरेंट्स बने। कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में आयुष ने अपनी और अपनी वाइफ अर्पिता के लव स्टोरी के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि जब वो 24 साल के थे तब उन्होंने अपने पेरेंट्स को अर्पिता के बारे में बताते हुए कहा था कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं। जब उन्होंने शादी के बारे में बात की तो उनके पिता परेशान हो गए थे क्योंकि तब तक उनकी पहली फिल्म रिलीज नहीं हुई थी और वो कुछ भी कमाते भी नहीं थे। आयुष ने कहा कि पापा ने कहा था कि तुम काम नहीं करते, कुछ कमा नहीं रहे, इसके बावजूद तुम ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हो जो इतने बड़े घर की है, तुम उसके खर्चे कैसे उठाओगे। आयुष के मुताबिक उन्होंने अपने पिता से फाइनेंशियल हेल्प मांगी थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। आयुष ने ये भी बताया कि उनके पिता को रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन उनकी माँ को इस बात की चिंता थी कि अलग अलग बैकग्राउंड की फैमिली कैसे तालमेल बिठा पाएंगे। बाद में जब उनके पेरेंट्स खान फैमिली से मिले तो उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में रहने के लिए आदर्श शर्मा को काटने पड़े कोर्ट के चक्कर, एक्ट्रेस ने किया खुलासा। फिल्म द केरला स्टोरी के बाद एक्ट्रेस आदर्श शर्मा के सितारों की चाल बदल चुकी है। वो उस दौर को जी रही हैं जिसका सपना उन्होंने 16 साल पहले हिंदी सिनेमा में डेब्यू के टाइम पर देखा था। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हाल ही में उनकी वेब सीरीज रीता सान्याल भी उसी सपने का हिस्सा है। आदर्श से उनके शो और उनके चेंजेस के बारे में पूछा गया तो इस पर उन्होंने खास बातें शेयर की। 16 साल पहले 1920 से जिन सपनों के साथ उन्होंने डेब्यू किया था, अब उन सपनों के कंपैरिजन में वो स्वयं को कहां पाती हैं, इस बारे में उन्होंने काफी इन्फॉर्मेशन शेयर की। अदा ने शेयर किया कि दो चीजों को पाने का उन्होंने सपना देखा, उन्हें पाने में इतने साल लग गए लेकिन वो खुश हैं कि अब वो सपने पूरे हैं। वही उनसे रीता सान्याल शो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये आपका सपना होता है कि अलग अलग लुक्स में किरदारों को निभाएं। मुझे इतना सब कुछ एक ही प्रोजेक्ट में करने को मिला। रीता सान्याल के लुक समेत इस शो में मेरे 10 लुक हैं जिसमें फूड इंस्पेक्टर, सिक्योरिटी गार्ड, मछली बेचने वाली और एक्ट्रेस समेत कई अतरंगी लुक्स हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश रही है कि हर लुक में सिर्फ हेयर स्टाइल और मेकअप ही अलग ना हो बल्कि बॉडी लैंग्वेज और बातचीत के स्टाइल भी अलग रहे। मैं खुद को लकी मानती हूँ कि फिल्म बस्तर, द नक्सल स्टोरीज और वेब सीरीज सनफ्लावर के बाद ये इस साल में मेरी 3री फिल्म है। वहीं उनसे जब पूछा गया कि क्या उन्होंने लॉयर्स और अदालतों का सामना किया है तो उन्होंने कहा कि घर लेने के बाद उनके कागजों के लिए मुझे हमेशा अदालत में जाना पड़ा था। वो काम घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं लेकिन अपने ब्रोकर के कहने पर मैंने अदालत में जाकर कागजों पर साइन किया। इससे पहले मेरी फैमिली में किसी ने कोर्ट मैरिज की थी तब मुझे जाना पड़ा था।